हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिता। आज आपका मेरे फाइनेंशियल होलिस्टिक होम्योपैथी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं आज आपको डर्माटाइटिस यानी कि स्किन का एक डिसीज है उनके बारे में बताने वाली हूँ। अभी विंटर सीजन चल रहा है और विंटर सीजन में अपनी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, तो ड्राई होने की वजह से आप इचिंग होना, कभी कभी रेडनेस भी आता है। तो इस तकलीफ को हम कम करने के लिए मैंने टॉपिक चूज किया है। चलिए फिर मैं अभी डर्माटाइटिस के बारे में बात करती हूँ। डर्माटाइटिस मीन्स जो भी अपना स्किन का पार्ट है वो अफेक्टेड होता है, वहाँ पे रेडनेस आना और यानी कि जैसे कि लालिमा आना और साथ में स्वेलिंग भी रहती है और कभी कभी इचिंग और जले जैसा यानी कि बर्निंग जैसा भी रहता है। इस स्थिति को हम डर्माटाइटिस कहते हैं। कभी कभी स्किन का जो भी पार्ट से वहाँ से फ्लूइड निकलता है और साथ में फ्लेस यानी कि पपड़ी जैसा भी जमा होना शुरू होता है। ये जो डर्माटाइटिस के कंप्लेंट्स है ये का अपने आप ही ठीक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें ये कंप्लेंट्स ठीक होने में देरी लगती है। ये जो डर्माटाइटिस कंप्लेंट्स है, डर्माटाइटिस के जो भी कंप्लेंट्स है वो 1 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा पाए जाते हैं और कुछ ऐसे टाइप से वो अडल्ट में ज्यादा पाए जाते हैं। और बाद में या डर्माटाइटिस जो डिसीज है ये कॉन्टेजियस डिसीज नहीं है। अभी हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। इनमें 4 टाइप्स है। इसमें से फर्स्ट टाइप है एटॉमिक डर्मेटाइटिस। एटॉमिक डर्मेटाइटिस को हम एक्जिमा भी कह सकते हैं। एटॉमिक डर्मेटाइटिस ये स्पेशली 1 ईयर तक के जो बच्चे उनमें ज्यादा पाए जाते हैं और इस टाइप में स्किन पर लालिमा यानी रेडनेस रहना और स्किन जो है वो रफ और ड्राई हो जाती है और कभी कभी इचिंग भी रहती है। और डर्मेटाइटिस ये आमतौर पर अपने जॉइंट्स के जो भी फोल्ड है उनमें ज्यादा हो जाता है, जैसे कि नी जॉइंट के पीछे, एल्बो जॉइंट के सामने, नेक जॉइंट का जो बैक पोर्शन है उनमें ज्यादा होता है। और ये जो कंप्लेंट्स है कभी कभी अपने आप ही कम होना शुरू होता है। सेकंड टाइप है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इनमें कुछ ऐसी चीजें जो अपने स्किन के कॉन्टेक्ट में आ रही है तो उसके वजह से स्किन पर रेडनेस यानी कि लालिमा आ रहा है, साथ में खुजली आ रही यानी कि इचिंग हो रही है और साथ में ब्लिस्टर यानी कि कुछ ऐसी खुजली है जिसमें पानी भरा हुआ हो। अच्छा, तो समझ लेना कि उस चीज से अपने स्किन को एलर्जी है। ये स्पेशली तब होता है जब अपनी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक होने की वजह से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। थर्ड है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। इस कंडीशन में स्किन पर पैचेस जो है वो स्केली यानी कि पपड़ीदार जैसे पैचेस आते हैं, साथ में रेडनेस और सीवियर इचिंग होती है। और ये जो कंडीशन है स्पेशली 1 ईयर तक के जो बच्चे उनमें ज्यादा दिखाई देते हैं और ये आमतौर पर चेस्ट, बैक और फेस में ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन बच्चों में ये स्कैल्प पे ज्यादा दिखता है। इसको हम क्रैडल कैप कहा जाता है। फोर्थ है डाइसिड्रोटिक डर्मेटाइटिस। इस कंडीशन में जो भी जगह वहां पर अगर पसीना आ रहा है और पसीना आने का जैसे वो जगह पे आपने हाँ हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो उस जगह पे ड्राई स्किन होना और सीवियर इचिंग होना शुरू होता है, स्पेशली हैंड और फुट में। अभी हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट सिम्टम है रैशेस। रैशेस यानी कि जहाँ पे भी अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे ज्यादा इचिंग होने की वजह से रेडनेस होता है, उसको हम रैशेस कहते हैं। सेकंड है ब्लिस्टर। थर्ड है स्वेलिंग, जो भी अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे सूजन आती है ज्यादा इचिंग करने की वजह से। फोर्थ है जो भी अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे चुभी जैसा पेन होता है और साथ में जले जैसा लगता है। फिफ्थ सिम्टम है जो भी अफेक्टेड पार्ट है वो जो अगर वो ड्राई स्किन डार्क स्किन होगी तो वहाँ पे ग्रे और पर्पल कलर के पैचेस आते हैं और जो लाइट स्किन होती है उन पर रेड और पिंकिश कलर के पैचेस आते हैं। अभी हम देखते हैं टाइप्स के हिसाब से कॉजेस देखते हैं। फर्स्ट टाइप है एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये एटोपिक डर्मेटाइटिस उस पेशेंट का हो सकता है जिस पेशेंट की स्किन जो है बहुत ड्राई है और साथ में अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनकी वजह से भी होता है। साथ में अगर उस पेशेंट को स्ट्रेस है और हार्मोनल इम्बेलेंस हो रहा है या फिर फैमिली हिस्ट्री है उनकी वजह से भी एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। सेकंड है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये स्पेशली अगर कुछ चीज़ों से कॉन्टैक्ट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ रहा है या फिर जैसे इरिटेंट सब्सटेंस है जैसे कि ज्वेलरी हो गए, वॉचेस हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए या फिर डिटर्जेंट पाउडर हो गए, अगर वो उनसे हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ रहा है, अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आने की वजह। थर्ड है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। ये स्पेशली मलेशिया यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है या फिर
ऑयल स्किन होने की वजह से भी हो सकता है। और ये पार्किंसन पार्किंसन हो गया, सोरेसिस पेशेंट हो गए, या फिर एचआईवी पेशेंट हो गए, इस पेशेंट को भी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी हम देखते हैं किस वजह से होता है, यानी कि रिस्क फैक्टर देखते हैं। फर्स्ट है एज, ये स्पेशली अडल्ट एज में होता है एज कम्पेयर टू ओल्ड एज। सेकंड है एनवायरमेंट, यानी कि अगर थोड़ा तो भी वेदर चेंज हो गया उस कंडीशन में भी पेशेंट को ये डर्मेटाइटिस हो सकता है। थर्ड है फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके घर में किसी किसी पर्सन को होगा या फिर आपके मम्मी पापा को होगा तो आपको भी हो सकता है। फोर्थ है हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि अगर कोई पेशेंट स्किन कंप्लेंट्स की वजह से सफ़र हो रहा है तो उस पेशेंट को भी डर्मेटाइटिस हो सकता है। और लास्ट है अस्थमा पेशेंट, और नेक्स्ट है एलर्जी पेशेंट को भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। फर्स्ट है ज़्यादा देर तक स्नान ना करें, 5-10 मिनट तक स्नान करें, और स्नान करते टाइम गुनगुना पानी का यूज करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम स्नान करने की वजह से स्किन जो है वो ड्राई होती है। सेकंड है साबुन, जो भी हम साबुन या फिर सोप यूज करते हैं वो उसमें केमिकल ना हो। थर्ड है बीच बीच में मसाज किया करें। फोर्थ है दिन में दो, अगर स्किन ज़्यादा ड्राई है तो दिन में 2 बार मॉइस्चराइजर का यूज़ करें, और मॉर्निंग में स्नान करने के बाद मॉइस्चराइजर का यूज़ कर सकते हैं, और नाइट में सोने के पहले यूज़ करना। तो नेक्स्ट है अगर जिस फूड से आपको एलर्जी है तो वो फूड अवॉइड करें। और लास्ट है जहाँ पे भी अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे स्क्रैचिंग करने के वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं, तो वहाँ पे स्क्रैचिंग ना करें। अभी हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फर्स्ट मेडिसिन है ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस पेशेंट की जो स्किन है बहुत ही हार्ड होती है और ड्राई होती है, ड्राई होने की वजह से स्किन पर क्रैक्स होते हैं, और साथ में अफेक्टेड जो पार्ट है वहाँ पे दर्द भी होता है। इस पेशेंट की जो स्किन कंप्लेंट्स है उनकी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री मिलती है। और इस पेशेंट के जो अफेक्टेड पार्ट है जैसे कि कान के पीछे, माउथ के ऊपर और नीचे, और साथ में हाथ पर क्रैक्स मिलते हैं, और इस साथ साथ में इस पेशेंट के जो कंप्लेंट्स है वो ज़्यादातर स्क्रैचिंग करने की वजह से, और ज़्यादा स्क्रैचिंग किया तो वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है, और कभी कभी सोने गए तो तब भी इसके कंप्लेंट जो है वो बढ़ने लगते हैं। और कोई कोई ऐसे पेशेंट है उन पेशेंट में जैसे कि मॉर्निंग में उठे तब भी उनके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। सेकंड मेडिसिन है हिपरसल्फ कैल्क्रियम। इस पेशेंट की जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और सेंसिटिव होने की वजह से जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे सोने सहने की बर्निंग और पेन होता है, और साथ में क्रैक्स भी आते हैं, और ये जो क्रैक्स है वो हील होने में देरी लगती है। इस मेडिसिन में आमतौर पर हाथ और पैर में ज़्यादा इफेक्ट होता है। और लास्ट है इस पेशेंट की जो इम्यूनिटी पावर है बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से कोई भी इन्फेक्शन से जल्दी इफेक्ट होता है। थर्ड मेडिसिन है मिजेरियम। ये पेशेंट को मेडिसिन की बहुत ही ज़्यादा डिजायर रहती है, और साथ में ये पेशेंट कंप्लेंट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है। इस पेशेंट के जो कंप्लेंट्स है वो कंप्लेंट्स में जो इचिंग रहती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इचिंग रहती है, और साथ में ब्लिस्टर जैसे फॉर्म होता है, और ब्लिस्टर जैसे फॉर्म होने के कारण वहाँ से गोल्डन ओजिंग जैसे डिस्चार्ज होता है, और वो डिस्चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे पपीदार जैसे लेयर फॉर्म होती है। अगर अगर वही लेयर को हमने ज़्यादा स्क्रैच किए तो स्क्रैच होने करने की वजह से वो अपनी जो स्किन है वो मोटी हो जाती है। और इसके जो कंप्लेंट्स है वो कोल्ड अप्लीकेशन से और ओपन एयर से कम हो जाते हैं। फोर्थ मेडिसिन है सल्फर। इस पेशेंट में जो भी अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे इंटेंस बर्निंग यानी कि जले जैसे लगना, और साथ में इचिंग भी मिलती है, और कभी कभी अफेक्टेड पार्ट पे सूजन भी आती है। और इसके जो कंप्लेंट्स है वो स्नान करने के बाद बढ़ते हैं, और जो भी अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे स्केली यानी कि पपीदार पैचेस होते हैं, और कभी कभी रेडनेस यानी लालिमा भी आती है। और इसके जो और इस पेशेंट और ये मेडिसिन उस पेशेंट को दे सकते हैं जिस पेशेंट ने बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन ट्राई किए हैं और साथ में ऑइंटमेंट भी लगाए, लेकिन उस पेशेंट को रिलीफ नहीं हुआ है, तो तभी हम सल्फर यूज़ कर सकते हैं।
लास्ट और फिफ्थ मेडिसिन है पेट्रोलियम। इस पेशेंट की जो स्किन है वो बहुत ही ड्राई होती है, और ड्राई होने की वजह से वो जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे डीप क्रैक्स आते हैं, और डीप क्रैक आने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होने की वजह से सोरनेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, और वहाँ पे बर्निंग भी होती है। ये स्पेशली हाथ के जो टिप ऑफ फिंगर है वहाँ पे और पाम में ज़्यादा दिखाई देता है, और इसके जो कंप्लेंट्स है वो विंटर सीजन में ज़्यादा बढ़ते हैं, और इसकी जो इचिंग है वो नाइट में ज़्यादा लगती है, और ये जो पेशेंट है वो इजीली इन्फेक्टेड होता है। अभी जो मैंने आपको मेडिसिन एक्सप्लेन किए हैं उसमें से सिम्टम्स के हिसाब से जो भी मेडिसिन आएंगे उसको आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम, 30 CH पोटेंसी में डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद लेना है। इसके साथ कैलेंडुला ऑइंटमेंट भी है, वो आप अफेक्टेड पार्ट पे दिन में 2 बार लगाना है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू।